दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। देखा गया है, ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वह पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान है, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना गया है। इस वृक्ष को और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में यह बात कही भी है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमें लाभ प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास माना गया है और जो हमारे पितरों होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी दिव्य आत्माएं भी पीपल के वृक्ष में निवास करती है। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं बहुत ही शीघ्र हमें चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि इस एकमात्र वृक्ष के पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे पूर्वज यानी जो हमारी पितरों होते हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मात्र इस वृक्ष के पूजन से हम सबकी पूजा एक साथ कर लेते हैं तो सबकी कृपा भी हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। या तो दोस्तों, शनिवार को सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है और अगर आप शनिवार के दिन यह उपाय करते हैं तो मात्र एक परिवार इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। किसी भी कामना से आप यह उपाय करेंगे, आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान है, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज में घिरे हो, व्यापार में आपके लगातार घाटा होता जा रहा है, आपके ऊपर लोन या कर्ज लगातार चढ़ता जा रहा है, नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, खर्च अधिक है और मे का आगमन बहुत कम है, तब भी आप इस उपाय करें, शीघ्र ही आपको लाभ होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन तो बहुत आता है लेकिन वह धन बेवजह के खर्च में निकल जाता है, या तो बीमारियों में, या फिर आप प्याज भर देते हैं, या लड़ाई झगड़े कोटक चहरी के चक्कर में आपके धन का खर्च हो रहा है, धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और जब भी आपको धन की आवश्यकता होती है आपको कर्ज लेना पड़ता है। अगर आप इस समस्या से परेशान है, मतलब धन के किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हो, घर में कलह से परेशान हो, तो इस उपाय को करें, शीघ्र ही आपको लाभ होगा, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से धन संचय भी होगा, धन आगमन भी होगा, व्यापार में भी आपको लाभ होगा और नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, अगर आप विश्वास से करेंगे आपको लाभ बहुत ही शीघ्र प्राप्त होगा। और मात्र की शनिवार यह उपाय करना है, बस मन में विश्वास रखकर करें, आपका कोई भी काम हो अवश्य बनेगा। करना क्या है? शनिवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद यह उपाय आपको करना है। तो शनिवार की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल वृक्ष के नीचे जाए। पुराना पीपल वृक्ष मतलब कोई पीपल का नया पौधा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जितना वृक्ष पूजित होता है उतना अधिक हमें उससे लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि पीपल वृक्ष ऐसा चाहिए इसकी पूजा निरंतर होती हो, जिस पर लोग पूजा करते हो, ऐसे पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है और शाम के समय जाना है। कुछ सामग्री आपको चाहिए, जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी रोली चाहिए और एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं आप, जैसे एक लाल रुमाल भी चलेगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। लाइन के अलावा चाहिए जो हम हाथ में मानते हैं, मौली जो पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है उसे कलावा कहते हैं, वो कुछ चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक, आप गाय का घी लेकर जाएं और उसे प्रज्वलित करें, या फिर तिल का तेल होना चाहिए। सरसों के तेल से आज हम प्रज्वलित नहीं करेंगे क्योंकि हम यह प्रयोग जो कर रहे हैं धनदायक प्रयोग कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। आटे का दीपक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय होता है। आटे का दीपक अगर आप प्रज्वलित करें किसी भी कामना के लिए तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो हमें यह जो आटे का दीपक और जो भी सामग्री है यह लेकर शाम के समय जाना है।
सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय हमें जाना है। सूर्यास्त के बाद से लेकर आपको 8 रात्रि तक पीपल की पूजा कर लेनी है। इसके बाद आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे कभी भी दे के साथ में नहीं जाना चाहिए। तो 8 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। इसके लिए आप समय पर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। अब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम जब आप पीपल के नीचे जाएंगे तो आप पीपल देवता को पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, सभी जो हमारे पितर पूर्वज होते हैं उन सबको हृदय से नमस्कार कीजिए। और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है, शनिदेव को नमस्कार करना है। शनिवार का दिन है तो शनिदेव को अवश्य नमस्कार करें, और इसके साथ ही हनुमान जी की भी आपको आराधना करनी है। आटे का दीपक जो आप लेकर गए हैं पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष की जड़ में जा के पास जला दीजिए। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी का ध्यान करके मन में हनुमान जी को स्मरण करते हुए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और जब आपका पाठ पूरा होते तब आपको पीपल का जो वृक्ष है उसमें एक पत्ता देखना है। एक बड़ा पत्ता लगा हुआ ही पता होना चाहिए, पीपल का पत्ता आपको तोड़ना नहीं है, वृक्ष में ही लगा रहे वह पत्ता। और उसी पत्ते पर आपको जो आप रोली लेकर गए हैं आप इसे थोड़ा सा जल लेकर आप उसे गीला कर लीजिए, और उसके बाद आपकी मनोकामना उस पीपल पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लिखनी है। रोली में थोड़ा सा जल मिलाकर उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी परेशानी है आपकी, आप उस पर लिख दीजिए। जैसे आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए, व्यापार में धन चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए तो यह लिख सकते हैं। नौकरी की समस्या है तो आप नौकरी लिख दीजिए, और अगर आपको धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, जिस भी परेशानी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं उस परेशानी को आपको उस पते पर लिखना है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो, इस तरह से आपको पता चुनना है, ये पत्थर तोड़ना नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है, जब अपनी मनोकामना लिख देते हैं उसके बाद उसी पत्ते वाली दिल्ली के ऊपर आपको 7 बार जो आप अलावा लेकर गए हैं वह बांध देना है। कलावे को 7 बार घुमा दीजिए, और बहुत अभिमान है ताकि पत्ता टूटे ना, बहुत आराम से उसको बांट दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ कला है उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए, 7 बार लपेट लीजिए। अगर थोड़ा सा ही के अलावा हो तो इतना भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अधिक अलावा बचा हुआ है तब 7 बार अपने हाथ में भी घुमाकर बांध लीजिए। इसके बाद आपको पीपल वृक्ष की छाया में ही बैठकर एक मंत्र का जप करना है। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, अचूक मंत्र है, नोट कर लीजिए। हम स्क्रीन पर भी इसको आपको दे रहे हैं, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम रीम वर्ड स्वाहा, ओम रिमूव स्वाहा। इस मंत्र का जप आपको पीपल वृक्ष की छाया में करना है। पीपल वृक्ष की छाया बैठकर जप आ गया, कोई भी मंत्र बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है और बहुत ही शीघ्र आपके कामना को पूर्ण कर देता है। आप चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र अगर आपको करना हो तो अगर आप पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर छाया में बैठकर अगर हम अपने मन की कोई बात कहते हैं, कोई समस्या कहते हैं, तो उसका निवारण बहुत शीघ्र हो जाता है। इसलिए आपको यह जो जप करना है वह पीपल वृक्ष की छाया में ही करना है। अगर आप माला लेकर जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला लीजिए, माला पर नहीं करना चाहते हैं आप ऐसे भी, जैसे कि आधा घंटा या 45 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो अधिकाधिक संख्या में इस मंत्र का जप कर लीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो, और अगर आपके पास माला है तो 108 मनकों की माला रुद्राक्ष की लेकर जाइए और 3 माला इस मंत्र का जप कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जप करना है। जब जब आपका पूरा हो जाता है आप पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें और मित्रों को हृदय से नमस्कार करें, शनिदेव को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को। जब आप प्रणाम करते हैं अपने मन की कामना भी वहां पर कहें की है, पितृ देवता है भगवान श्री हरि विष्णु या फिर है हनुमान जी, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी परेशानी हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जरूर पीपल वृक्ष के नीचे कहनी चाहिए। बहुत शीघ्र पीपल वृक्ष के नीचे कही गई कामना पूर्ण हो जाती है और समस्या कोई भी हो बहुत शीघ्र उसका निवारण हमें मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, सबको प्रणाम करने के बाद आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं उस लाल कपड़े में पीपल की जड़ से चुटकी भर मिट्टी यानी एक चुटकी मिट्टी निकाल लीजिए। मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको क्या कि आप उसे लाल कपड़े में रखकर लपेट लीजिए, उस कपड़े को बांध दीजिए और फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामना मन में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवताओं से कहने के बाद यह मिट्टी लेकर आपको अपने घर आ जाना है। घर में आप यह मिट्टी अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए, जहां पर भी आप धन रखते हैं, या आपके पास अगर तिजोरी है
तो तिजोरी में रख दीजिए। व्यापार में अगर आपको नुकसान हो रहा है, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो आप यह जो मिट्टी है अपने व्यापार के गले में रख दीजिए। कहीं भी धन रखने के स्थान पर आपको यह मिट्टी रखनी है। बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में अगर धन की समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, और जब धन घर में आता है आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाते हैं, तो आपस में प्रेम व्यवहार भी बनता है, घर में सद भावना आती है। कल यह प्लेट सब दूर हो जाते हैं। अगर धन का आगमन निरंतर घर में होने लग जाता है और धन घर में दिखने लग जाता है, तो अब आपसे प्रश्न होंगे कि इस उपाय को हमें कब तक करना है। देखिए, इस उपाय को मात्र एक शनिवार ही हमें करना है। सिर्फ एक शनिवार आप यह उपाय करेंगे। घर में लाकर अपने धन रखने के स्थान पर वह मिट्टी रख देंगे तो इसके बाद चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। अगले जो आपका प्रश्न है कि इस मिट्टी को हमें घर में कब तक रखना चाहिए, तो हमेशा रखें अपने घर में, क्योंकि यह देव वृक्ष के नीचे की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी जैसे कि हम कहीं पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो वहां से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर हमें अपने घर में रखने चाहिए। तो यह देव वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, उसके नीचे की मिट्टी है। हमेशा आप अपने घर में रखें, अपने धन रखने के स्थान पर रखें। कभी भी आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। का यज्ञ जो आपका प्रश्न होगा इससे संबंधित कि क्या स्त्रियां इस उपाय को कर सकती है, यहाँ कोई भी इस उपाय को कर सकता है। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को श्रद्धा से करें। अगर स्त्रियां इस उपाय को कर रही है तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप पीरियड के अवस्था में इस उपाय को ना करें। जब आप खुद को कभी इस उपाय को करें और जब आप यह उपाय करें, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जब वह मिट्टी उठा रहे हो पीपल वृक्ष के नीचे से, तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, चुपके से आपको मिट्टी उठानी है। अगर आसपास लोग होते भी है तब इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाएं कि कोई आपको देखे नहीं या टोके नहीं। बस अगर आप इस तरह से इस उपाय को कर लेते हैं, यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी लाभ होता है। इस उपाय को करने से पीपल का वृक्ष देव वृक्ष माना गया है। श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं का पितरों का वृक्ष माना गया है, तो इसके नीचे की मिट्टी इतनी पवित्र है कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो बहुत शीघ्र पूर्ण आ जाती है और बहुत जल्दी आपको चमत्कारी लाभ भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।